तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार के आम बजट को आंकड़ों का जाल बताया है। सुभाष गर्ग ने कहा कि इस बजट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राहत किसी भी वर्ग को नहीं दी गई। सभी विभागों के बजट को मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया है। गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पहले से ही प्रयास कर रही है। केंद्र के इस बजट में कोई खास राहत प्रदेश की जनता को नहीं मिली है। हेल्थ सेक्टर का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें स्वच्छता अभियान का भी बजट जोड़ दिया है और पेयजल का भी बजट जोड़ दिया है। तो बड़ी चालाकी के तरीके से इस बजट को दिखा दिया गया है, जबकि पूरा बजट जो है अगर देखा जाए तो उसको क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसमें पेयजल की भी बजट शामिल है, उसमें स्वच्छता भारत अभियान का जो बजट है वो भी शामिल है, और इसको तीनों को मिल करके और इसको कर दिया स्वास्थ्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है। नंबर वन। नंबर टू, FDI की जो सीमा इन्होंने बढ़ाई है 49% से इंश्योरेंस सेक्टर में 74 कर दिए। यही बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी उस दौरान यूपीए सरकार थी तो इस FDI का बढ़ाने की सीमा का बड़ा विरोध किया करती थी, अब स्वयं जो है उसका जो है समर्थन करके और वो सीमा भी बढ़ा दी गई है।